मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में काफी सारे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर इंडियन ब्रांच विद इन ग्रुप इंटरनेशनली दूसरे किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या फिर इसे इंटरमीडिएट सर्विस माना जाएगा? Welcome you to our channel where we will discuss landmark judgments on GST. इस केस के पेटिशनर Ernst & Young Limited, UK, it means EYK, Indian branch है। इन्होंने EYK बाकी कंट्रीज के ब्रांचेस को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की। ये सारे ट्रांजेक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुए थे। इनवॉइस में भी सर्विस का डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल फीस ऐसे था। पेटिशनर ने दिसंबर 17 टू मार्च 20 तक का आईटी से रिफंड क्लेम किया। पेटिशनर का मानना ये था कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। डिपार्टमेंट ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डिपार्टमेंट का मानना ये था कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है बल्कि ये इंटरमीडिएट सर्विस है। इंटरमीडिएट सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पेटिशनर का लोकेशन है जो कि इस केस में इंडिया है, इसलिए ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। पेटिशनर ने अपील फाइल किया पर वो भी रिजेक्ट हो गई, इसलिए पेटिशनर ने ये केस हाईकोर्ट में फाइल किया। यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोफेशनल सर्विस है या फिर ये इंटरमीडिएट सर्विस है। हाईकोर्ट ने पेटिशनर के फेवर में डिसीजन दिया। हाईकोर्ट ने ये कहा कि इंटरमीडिएट सर्विसेज का मतलब है गुड्स या सर्विसेज अरेंज करके देना। यहाँ पे पेटिशनर खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पेटिशनर ने ये सर्विस थर्ड पार्टी से अरेंज नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं कह सकते। ये प्रोफेशनल सर्विस है और ये केस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आती है, इसलिए पेटिशनर आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो लॉजिक्स।